भाई एक बात बताओ, क्या कभी प्याज की खेती की है? अरे भाई, मैं तो पिछले 12 सालों से प्याज की खेती कर रहा हूँ और अच्छा मुनाफा भी कमा रहा हूँ। ऐसा है तो फिर ये बताओ, प्याज में ट्विस्टर डिजीज यानी जलेबी रोग का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। राजस्थान के अलवर और उसके विभिन्न क्षेत्रों जैसे तिजारा, खानपुर, किशनगढ़, मलखेड़ा में तो जलेबी रोग प्याज के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कुछ खेत तो ऐसे हैं जिनमें प्याज की फसल 90% तक खराब हो गई है। बिल्कुल सही कहा, मेरी प्याज की फसलों में भी ट्विस्टर डिजीज यानी जलेबी रोग लग गया है। शुरू में पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई दिए जो पूरी तरह पत्ती को कवर करते हुए लंबाई में फैल गए और पत्तियां सिकुड़कर नीचे गिरने लगीं। कई पौधों में तो इस रोग ने ऐसा भयानक रूप ले लिया कि प्याज की पत्तियां पूरी तरह विकृत हो गईं और जमीन की सतह से घूम गईं। सही कहा, ये रोग इतनी जल्दी फैलता है कि सही समय पर उपचार नहीं किया तो 5 से 7 दिनों में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन ऐसे भयानक रोग का इलाज क्या है? इलाज बिल्कुल आसान है। कृषि रसायन के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली सुमीटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के 3 उत्पाद आपकी प्याज की फसल को ट्विस्टर डिजीज यानी जलेबी रोग से बचाएंगे और आपको मिलेगा ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा। 30 ml किटोशी और 50 ml वेलिडा प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करें और जमीन में 500 ग्राम हारू और 250 ml वेलिडा प्रति बीघे के हिसाब से डालें। इससे आपकी प्याज की फसल जलेबी रोग से मुक्त हो जाएगी और आगे भी जलेबी रोग की समस्या नहीं आएगी, साथ ही फसल रोग मुक्त होगी तो उत्पादन होगा ज्यादा। इतने सालों से ढूंढ रहा था, अब जाकर मिला प्याज की फसल को जलेबी रोग यानी ट्विस्टर डिजीज से बचाने का अचूक फॉर्मूला। सुमीटोमो केमिकल के 3 उत्पाद कीटोशी, वैलिडा और हारू। अच्छा, इनके इस्तेमाल के समय कोई सावधानियां बरतनी है? सही सवाल पूछा। पहली सावधानी, जब तक जलेबी रोग और गलन की समस्या रुके नहीं तब तक खेत में यूरिया का प्रयोग ना करें। दूसरी सावधानी, खेत में पानी की बिल्कुल हल्की सिंचाई करें, मतलब एक बार खेत को सूखने दें, उसके बाद ही पानी दें।